Hello and welcome to My Career Doctor, friends. My name is Prakash Singh Azad, your English language trainer and career counselor. Well, today in this class, I'll show you how to read newspaper effectively. क्योंकि बिना newspaper reading के या किसी भी चीज़ की reading के आप एक अच्छे वक्ता नहीं हो पाएंगे. आपको जो hesitation होती होगी, तुतलाहट होती होगी, या फिर आप बोल पाने में सक्षम नहीं होंगे, लोगों के पास आपको शर्म आती होगी, आपको घबराहट होती होगी, आप ज़िंदगी भर translations बनाने में लगे रहते होंगे, तो इससे आपकी समस्या का solution नहीं है. Translations आप बनाइए, words आप सीखिए, लेकिन देखिए भी English content को और पढ़िए भी. पढ़ने से आपकी स्पीकिंग इंग्लिश का जो स्टैमिना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये आपकी फ्लुएंसी को बरकरार रखता है ताकि आप अच्छे स्पीकर बन सके. इसलिए रीडिंग की बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है. सो टुडे आई विल शो यू इन दिस ऑलराइट दैट हाउ टू रीड. आई विल पिक फर्स्ट बिगनर्स एंड देन लिटिल सीनियर्स. दे विल शो यू हाउ टू रीड इट प्रॉपरली. आप भी कोशिश कीजिएगा पढ़ने की. एक तो पढ़ने का मतलब समझना होता है और दूसरा सिर्फ पढ़ना. आप दोनों भी काम करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपकी स्पीकिंग इंग्लिश स्टैमिना जो है वो स्ट्रांग होगी. सो फ्रेंड्स, आर वी रेडी? ऑलराइट. सो वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल यू विकी. कम हियर प्लीज. दिस इज ऑलराइट. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड इट. Just read it and don't bother about this mic. I put this in front of you. Put this up. Put it up. No, you do not bother. I hold it. Kejriwal charged me for this stunt as CM. Minister designates meet at his residence. New Delhi determined to hit the ground after taking oath as Chief Minister of National. Convener Arvind Kejriwal on Saturday discussed the roadmap for Delhi's development with the six AAP MLAs who will be sworn in as cabinet ministers on Sunday. The minister designates Manish Sisodia deputy CM in the previous government minister. Okay, it's okay. Vicky, what are you doing right now? क्या सर? अभी आप क्या कर रहे हैं? जी अभी ग्रेजुएशन पार्ट वन में हूँ. पार्ट वन की आप पढ़ाई कर रहे हैं जी. जो आपने न्यूज़पेपर की रीडिंग दी है ना दोस्त, इसमें देर आर सो मेनी मिस्टेक्स. अच्छा, इन द स्टार्टिंग मे बी की ही कम्स फर्स्ट डे एंड ही इज़ वेरी वेरी बिगनर. लाइक कल ही आप आए थे. ओके, नाइस. तो इस वजह से भी कई बार डर लगता है हमें कैमरे के सामने भी. बट अगर आपकी रीडिंग कमज़ोर है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को ठीक से, तो मुझे लगता है इंग्लिश भी आप नहीं बोल पाएंगे. और न्यूज़पेपर भी यदि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगती है तो आप चंपक खरीद लीजिए. 30-35 रुपये की आती है. या फिर बच्चों की जो किताब होती है स्टोरीज़ की, वो आप ख़रीद लीजिए. दूसरी तीसरी क्लास की जो भी आपको मिले उसे आप ख़रीद लीजिए और पढ़िए अपनी स्टैमिना को, स्पीकिंग इंग्लिश स्टैमिना को बूस्ट करने के लिए. मिस्टेक्स जो करी है विकी ने, जैसे चार्ट्स है, मैप है, थर्ड स्टिंट है, डिटरमाइंड है, टू हिट ग्राउंड आफ्टर, सॉर्न है, ऐसी देर आर सो मेनी मिस्टेक्स ही हैज़ डन. तो इफ़ यू प्रैक्टिस इट डेली एंड रेगुलरली, गॉट इट ना? जो वर्ड आपको नहीं समझ में आता है, इधर यू आस्क टू मी, आस्क योर सीनियर्स, और गूगल में भी, डिक्शनरी में भी आप ढूंढ कर इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन, हिंखोज डिक्शनरी आती है, आप वहाँ से भी इसे क्या कर सकते हैं, इसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो कैन आई होप कि आप इसे लाउडली पर डे पढ़ेंगे 10 मिनट. यू नो वाई? बिकॉज इट विल मेक योर स्टैमिना, आई मीन स्पीकिंग इंग्लिश स्टैमिना स्ट्रॉन्ग. दैट विल हेल्प यू टू रीड लाउडली एंड दैट indirectly and directly will help your speaking English. I hope you get it. Thank you. You come here, friend. You read it loudly. Thank you, sir. Jammu and resident alleges the hotel denied room where initiate proof. A Delhi University student who hails from Doda region of Jammu and Kashmir has alleged that denied. Hold on. Your words are not clear. जब आप पढ़ते हैं ना तो ये clear नहीं आ पाते. इन्हें stroke देकर आराम से पढ़िए. Loudly ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. और ये ना काफ़ी ज़्यादा match हो रहे हैं एक दूसरे से. Got it ना? It creates noise. Jammu and Kashmir resident alleges hotel denied room where initiate proof. A Delhi University student who hails from Doda region of Jammu and Kashmir has alleged that he was denied a room at a hotel near DU North campus which he had booked for his father and sister. The student claimed that the hotel authority told him that they don't give rooms to residents of Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. All right, hold it. You zoom in now when he speaks. Do not do it frequently.
Despite him showing the necessary address proofs, they refused to allot the room, claiming to eat. Okay, there is also a problem, dost. What you have to do is put the notebook there, put it there. वहाँ रख दीजिए. It is not Jammu. It is Jammu and Kashmir. Resident Alize's hotel denied room. Oyo initiates probe. Got it na? A Delhi University student who hails from Dara region of Jammu and Kashmir has alleged that he was denied a room at an OU hotel near DU North campus, which he had booked for his father and sister. Got it na? You have to read it loudly and please prove it yourself that yes, you can do it. I'm sure you will read it loudly. Yes. अच्छा होता क्या है फ्रेंड्स, जब आप पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो लाइक आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट हमें यही लगता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम है. आपको भी लगता होगा, हमें भी लगता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स है. कोचिंग खोल लिया है, बच्चे कैसे आएंगे, फ़ी कहाँ से आएगा, आपको भी लगता होगा. परिवार में दिक्कत है, पैसे की तंगहाली है, पढ़ाई में कमज़ोर हैं. यही तो प्रॉब्लम है जिसमें हम 90% पीपल उलझ जाते हैं. इंस्टीड ऑफ दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी शुड फोकस टू द सॉल्यूशंस. व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस फॉर इट. गॉट इट ना गाइस? लाइक आपकी रीडिंग कमज़ोर है तो इसे आप स्ट्रांग कीजिए ना. आपकी स्पीकिंग पढ़िए. अभी तो आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हिंखोज डिक्शनरी को डाउनलोड कर लीजिए. जो वर्ड समझ में नहीं आता उसमें डालिए और आप क्या कहते हैं प्रोनंसिएशन भी चेक कर लीजिए, मीनिंग भी आप चेक कर लीजिए, फिर आप वापस आ जाइए. गॉट इट ना गाइस? और इसको आप पढ़िए. आज के टाइम में क्या है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है और लोग बहुत अवेयर हैं. टैलेंट भी पहले से ज़्यादा है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी पहले से ज़्यादा है. भटकाव भी आज के समय में बहुत 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 ज़्यादा है. और बच्चे अक्सर पूछते हैं मुझसे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके कि इंग्लिश कैसे सीखूँ. हमेशा आप याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. गॉट इट ना? और हार्डवर्क का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट. यू गेट इट ना गाइस? एंड देयर इफ यू आर वीक, परमानेंट सॉल्यूशन आपको चाहिए ना, टेम्परेरी तो नहीं चाहिए. सो प्लीज़ फोकस टू इट एंड आई एम 100% श्योर यू विल गेट इट. ऑल राइट, प्लीज़ गो एंड टेक योर सीट. You saw here two students, they were trying to read newspaper. Now here is Cherry. And Cherry, I want you to read it proper, not like Satabdi Express. Got it na? Okay. Oral test. Taking good care of your teeth is related to overall well-being. So make sure you go to a dentist every 6 months. Do you often wish for a magic that would protect your teeth no matter how much sweets you consume? Well, if wishes were horse, beggar would ride. So you will have to take care of your oral health before it decay completely. Dr. Pankti Patel, a dentist, suggests regular dental checkup helps us to early detection of oral diseases such as cavity. This way, we can render appropriate treatment to at an initial stage that helps to minimize the occurrence of long-term problems. Tooth decay occurs when germs in your mouth make acids that eats away your teeth. It can lead to cavities which are holes in teeth. A tooth has three layers. Stop it. So Cherry, can you tell us what did you read in this? Tell the summary of it. Okay. That we should have proper care of our teeth if we want that our if we want to eat. We know that if we all want to eat everything, and if there is a magic that our teeth don't get decay, so it is very helpful for us to eat everything whatever we like. So we should take care of our teeth properly. We should brush regularly in morning, twice in morning and night. So it will help our teeth to healthy. Our teeth will stay healthy and we will able to eat everything. That's all. Go and take your seat. So friends, if you want to know, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर को पढ़ा और समझा कैसे जाए, तो उसके लिए इस वीडियो पे आप क्लिक कीजिए. हमने पहले भी बना दिया है और अगले एपिसोड में हम इस पे काम करेंगे. लेकिन आज सिर्फ स्पीकिंग इंग्लिश स्टैमिना को स्ट्रांग करने के लिए रीडिंग ज़रूरी है. उसकी आप हैबिट डालिए, नहीं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी दोस्तों. I hope you get it. And the thing only I want to see, when you take a newspaper, you say, oh my God, how should I read? From where should I start? There are so many problems come in your life. But what we have to do is we have to focus to the solution. Like I have told you to please buy a Champak book. English mein ye aati hai. Ya fir normal koi bhi book jo hai, wo aap khareed lijiye. Aur khareedne ke baad
उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत बिगनर हैं तो बच्चों वाली बुक ले लीजिए, लेकिन उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आई एम 100% श्योर दैट यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। एंड येस, यदि आप पर डे हमसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं लाइव क्लासेस के जरिए, 9 बजे माइक्री डॉक्टर, मैं यानी प्रकाश सिंह आज़ाद आता हूँ, और वहाँ आई टीच यू लाइव क्लास एवरी डे एट 9 PM, सो यू कैन कम and join us, and would request you to please subscribe our telegram channel. There you will get all the informations. We send you PDFs, words, and in doubt telegram channel, Mikey Doctor Doubts, there you can ask any doubts if you have, guys. So for right now, I wish you all the best ki aap newspaper padhenge aur apne aap ko zyada se zyada jo hai wo strong banane ki koshish karenge. I'm 100% sure that you must be able to read newspaper. That will help you a lot. Thank you very much. Stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.